हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उड़द दाल की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। सुबह के नाश्ते में या हल्के फुल्के भूख में आप इसे बनाकर खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको इसकी प्रिपरेशन थोड़ी पहले से ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने ले ली है 1 कप उड़द की दाल, और अगर वेट की बात करें तो ये 250 ग्राम दाल है। और अब हम इसे पानी में पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे 2 से 3 बार। तो देखिए, मैंने इसे पानी में अच्छे से दो से तीन बार वॉश करने के बाद में अब इसमें हम पानी डाल देंगे और इसे ढककर ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे, या 4 से 5 घंटे, जब तक ये अच्छे से फूल ना जाए। दाल को मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था और दाल अच्छे से फूल गई है। इसके पानी को फेंक देंगे और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो उसके लिए मैंने ले लिया है मिक्सी का जार और इसे डाल देंगे जार के अंदर। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल भी ज़्यादा पानी ऐड ना करें, बस बिल्कुल थोड़ा सा, और इसे पीस लेंगे। देखिए, दाल को मैंने थोड़ा सा पीस लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अब एक से दो इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ज़्यादा ऐड ना करें, बिल्कुल थोड़ा सा, इतनी कि दाल हमारी पिस जाए। ये देखिए, इतना पानी ऐड करेंगे, लगभग 1/4 कप, और इसे अब हम ग्राइंड कर लेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। तो आप एक जार में एकदम से ना पानी ऐड ना करें, तो ज़्यादा पानी हो जाएगा ना, तो फिर हमें दिक्कत आएगी बाद में। अगर कम लगेगा तो बाद में ऐड कर सकते हैं। अब इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में और इसे अच्छे तरीके से हम 4 से 5 मिनट कंटिन्यू फैट लेंगे, ताकि ये अच्छे से फूल जाए बैटर और थोड़ा सा हल्का हो जाए। तो देखिए, 4 से 5 मिनट अच्छे से फैटने के बाद में अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, और आप 1 टीस्पून भी इसमें डाल सकते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो देखिए कितना हमारा जो बैटर है वो फूल गया है। तो देखिए, बैटर इस तरीके का होना चाहिए, जब हम इसकी फुल्की बनाएं तो वो अच्छे से बन जाए इसकी फुल्की। आप चम्मच की मदद से भी इसे बना सकते हैं। अब एक कढ़ाई में मैंने तेल पहले से ही हीट होने के लिए रख दिया था। गैस का फ्लेम अभी हाई है। हाई होने के बाद में जब हम इस फुल्की को डालेंगे तो गैस का फ्लेम अभी मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हम तलेंगे, और अब इसका एक अच्छा सा कलर आने तक इन्हें तल लेंगे। स्टार्टिंग में इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, जब ये हल्का सा सिक जाएगा उसके बाद में ही हम इसे कलछी की हेल्प से चलाएंगे। तो तेल इसमें आप थोड़ा सा ठीक ही लीजिएगा, कम तेल बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं तो ये नीचे चिपक भी सकती हैं। तो देखिए कितना अच्छा इनका कलर आ गया है। इसी तरीके से बाकी के भी तल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ले ली है 500 ml कर्ड, यानी कि दही, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से एक बार फेंट ले। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून डाल देंगे चाट मसाला, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, और इन्हें हम फेंट लेंगे एक बार। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, तो मैंने 1/2 टीस्पून डाल दिया है, और इसे भी हम अच्छे तरीके से अभी मिला लेंगे। अब एक बाउल में हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे और ये जो फुल्की है ना वो हम डाल देंगे पानी के अंदर, और इसे हम 1 मिनट के लिए डीप कर लेंगे। डीप करने के बाद में अब हम इसे निचोड़ कर डाल देंगे दही वाले बैटर में। इसी तरीके से बाकी के भी कर लेंगे। आप जितनी फुल्की खाना चाहते हैं उतनी डाल सकते हैं। बाद में अगर आपको भूख लगे तो आप बाद में भी इसे डाल सकते हैं, एक साथ में ऐड ना करके। तो मैंने इसे एक साथ में ऐड कर दिया है, क्योंकि हम इस नाश्ते को अभी खाने वाले हैं, और इसे हम मिला लेंगे अब दही में। दही में मिक्स करने के बाद में अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक तड़का पैन ले लिया है, और इसमें डाल दिया है लगभग 2 टेबलस्पून तेल। तेल गर्म होने के बाद में गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और इसमें डाल देंगे हम 1 टीस्पून राई और 1 टीस्पून जीरा, और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसे हम एक बार मिला के अब हम इसे डाल देंगे दही फुल्की वाले बैटर में और इसे मिला लेंगे एक बार। अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, और लीजिए, हमारा नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म खाएंगे ना तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। कोशिश करें कि आप इसे गर्मा गर्म ही खाएँ।